याद रखे कि मैं तो वो कप्तान हूं, जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा। और ये ही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला, मुझे उधर तक ना दिखेलो। चार महीने से मैं सबर कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए सबर कर रहा हूं। मेरे लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, पंजाब में, आजाद कश्मीर में, तो मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहा, मौशी हालात की वजह से नहीं कर रहा। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है, उन चार लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्वस थे, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन चारों को नहीं छोड़ेगी। मैं आपके पास आया हूं कि पाकिस्तानी कौम, आपने मेरे साथ खड़ा होना है, और हमने हकीकी आजादी इन लोगों से छीननी है कि वो जिन्होंने साजिश की। आज बताएं कि जो पाकिस्तान का हाल है कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार है? जो मर्जी हरपा आप इस्तेमाल कर ले, अब ये मैच नहीं जीत सकते आप। मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां नौजवान है, यहां हमारे बुजुर्ग भी हैं, यहां मेरे आईएसएफ के टाइगर भी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी कि मेरी बहनें भी यहां हैं, और इतने तादाद में जो कभी नहीं आई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं।